फ्रेंड्स, जब भी हर्पिस नामक बीमारी के बारे में कोई भी बात करता है तो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस बीमारी के काफी ज्यादा लक्षण भी होते हैं, जैसे कि संक्रमण, हाथ पैरों में बहुत दर्द होना या फिर हमारे होठों के आसपास काफी ज्यादा सूजन हो जाना। हर्पिस एक ऐसी बीमारी है जो हमें काफी ज्यादा दर्दनाक और काफी ज्यादा परेशान कर देती है। चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जो आप हर्पिस जैसी बीमारी से अपने आप को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर आता है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब के सिरके का। सेब के सिरके से मसाज करने से आप हर्पिस नामक बीमारी से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। दूसरी चीज है आइस पैक। आइस पैक का इस्तेमाल करके भी आप अपने संक्रमण और जलन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको संक्रमण की प्रॉब्लम है तो आप ऑलिव ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप चाहे तो टी ट्री ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बैक्टीरियल संक्रमण फैल गया है तो आप बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर काढ़ा पेस्ट बनाकर स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो हर्पिस नामक बीमारी को आपसे बाहर निकाल सकते हैं और आपको वापस से स्वस्थ बना सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।